जय केदारनाथ बाबा। फूड फंडा खुशबू में इस बार हम चलेंगे केदारनाथ यात्रा पे, जो हमने मई 2022 में की थी। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है, 5 केदार में से पहला केदार है और साथ ही में छोटा चार धाम में से एक धाम है। केदारनाथ यात्रा की यात्रा चलिए शुरू करते हैं। ये यात्रा हमने स्टार्ट की बॉम्बे से। हम बॉम्बे से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से फिर हमने हमारी जर्नी शुरू की टुवर्ड्स ऋषिकेश। हमने रात को ऋषिकेश में नाइट स्टे लिया था और दूसरे दिन हम सुबह निकले गुप्त काशी के लिए। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है, वो आपके सबसे नज़दीक है। अब हम योग सिटी ऋषिकेश में पहुंचे। रात का टाइम हमारे पास था तो हमने वो रात को ऋषिकेश में साइट सींग में यूज़ किया, जिसमें हमने लक्ष्मण झूला, राम झूला, साथ ही में त्रिवेणी संगम और दूसरे घाट के भी दर्शन किए। लक्ष्मण झूला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप अभी जा नहीं सकते हैं, सिर्फ बाहर से हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। और बाकी राम झूला, जानकी झूला, वो हमने अच्छे से कवर किया। रात को भी बहुत ही सुंदर, इसकी लाइटिंग्स में इतना सुंदर लग रहे थे ये राम झूला और लक्ष्मण झूला। सुबह हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की टेम्पो ट्रैवलर से। अब हम जा रहे हैं गुप्त काशी। ऋषिकेश से गुप्त काशी का रास्ता जो है वो है 130-180 किलोमीटर है, जिसमें करीबन 7-8 घंटे लगते हैं। रास्ते में हमें सबसे पहले आया देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। अब दो शेड्स के रिवर यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों रिवर का संगम यहाँ पे है। आप अगर चाहें तो नीचे जाने का रास्ता है और नदी में आप इधर जाकर बाथ ले सकते हैं, पैर गीले कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो नदी में डुबकी लगा सकते हैं। ये देखिए दोनों शेड्स की रिवर आपको दिख रही होगी, अलकनंदा और भागीरथी, जो आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अब गुप्त काशी जाने के लिए हमें 7-8 घंटे लगेंगे, तो जर्नी हमें अच्छे से काटनी है। रास्ते पूरे घाट वाले हैं, घुमावदार रास्ते हैं, बहुत सारे पहाड़ इसमें हम कवर करेंगे 180 किलोमीटर्स में। और गुप्त काशी से फिर गौरीकुंड सिर्फ 33 किलोमीटर्स है, तो हम पहले गुप्त काशी जाएंगे, उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम गौरीकुंड जाएंगे। रास्ते में व्यूज मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे पहाड़, ये रिवर्स एकदम ग्रीन कलर और एकदम पॉल्यूशन फ्री हवा। यहाँ की हवा ऐसे आपको लग रहा है इतनी फ्रेश है, फुल ऑफ ऑक्सीजन। गुप्त काशी जाने के लिए आपको केदारनाथ अभी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको ई पास लेना बहुत ज़रूरी है, आपको इसमें पास लेना पड़ेगा। ये देखिए आपको मैं नदी का एकदम अच्छे से कलर प्रोजेक्टर दिखाती हूँ, दोनों शेड्स आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। इसमें हमें आगे रुद्रप्रयाग आएगा, ये रुद्रप्रयाग की फोटोज़ हैं। गुप्त काशी से पहले हमें बहुत ट्रैफिक मिला, इस बार कहते हैं कि बहुत सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इतने ज़्यादा लोग टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ ट्रैफिक था, पर वो ट्रैफिक हमने किस तरीके से कवर किया। रास्ते में एक ड्राइवर जी ने हमारे बताया कि एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल और स्ट्रीम है, झरना है, तो हम वहाँ उतरे और हमने नदी में थोड़ा सा टाइम पास किया। बहुत ही ठंडा पानी था, हमने थोड़ी फोटोग्राफ क्लिक की। और अब रात को हम पहुंचे गुप्त काशी, जिसमें हम रुके हैं केदार रिसॉर्ट्स। ये देखिए सुबह रिसॉर्ट से व्यूज एकदम, ये जो रिसॉर्ट है ये हर्ट रिसॉर्ट्स है, एकदम विद इन द माउंटेन्स ये सिचुएटेड है, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ बादल, बहुत ही अच्छी ठंड है। अब देखते हैं हम कैसे जाते हैं, हमें केदारनाथ दर्शन करने हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं इसलिए हम हेलीकॉप्टर से ही प्रेफर कर रहे हैं दर्शन करना। तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग की साइट मैं आपको बता दूंगी, आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मेरे डिटेल सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अच्छे से साइट मिलेगी, कौन सी साइट है आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग की। और केदारनाथ आने के लिए भी आपको बुकिंग करवानी पड़ती है, इसके लिए आपको पास लेना पड़ता है ई पास, जिसमें आपको आपका कोविड सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। इसकी भी साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर देती हूँ। केदारनाथ जाने के लिए आप पिट्ठू यूज कर सकते हैं, पालकी यूज कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, पर हमारे साथ जैसे कि आपको पता है छोटे बच्चे थे तो ये ट्रैवलिंग ऑप्शन हमारे साथ पॉसिबल नहीं था। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ अंदर से, ये हर्ट खाली कहने के लिए हर्ट है, अंदर से एकदम कम्फर्टेबल और बहुत ही अच्छी स्टार प्रॉपर्टी है। ये देखिए एकदम वुडन हर्ट है, रात को बहुत कम्फर्टेबल थे ये। और
और बच्चे हमारे साथ हैं, इसलिए हम हेलीकॉप्टर पर, बहुत यहाँ पे स्नोफॉल हो गया है इसलिए रात को रुकना हमारे लिए केदारनाथ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम पिट्ठू अवॉइड कर रहे हैं। ये देखिए आपको हेलीकॉप्टर दिख रहे होंगे। तो अभी हम निकलेंगे हेलीकॉप्टर की साइट्स के लिए। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ से चलते हैं पर अभी सब गवर्नमेंट के अंदर हैं। ये देखिए यहाँ की स्पेशल बेरीज जो यहाँ पे हर प्लांट्स पे उग रही थी, येलो गोल्डन बेरीज। सबसे पहले हम एरो हेलीपैड पे गए थे। ये देखिए रेट्स है 3875 और अगर आप टू वे लेते हैं तो 7500 के करीब करीब होता है। पर बहुत ही फॉग था तो थोड़ी देर के बाद ही हेलीकॉप्टर आज बंद हो गए। तो बहुत रश यहाँ पे था लेकिन आज हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़े। तो हम कल का दिन वापस ट्राई करेंगे दूसरे हेलीपैड्स पे जाके कि शायद हमारा चांस लग जाए और हमारे दर्शन हो जाए। सुबह हम वापस निकले हैं, अभी हम जा रहे हैं फाटा की तरफ। फाटा में कहते हैं 4 से 5 हेलीपैड्स हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हमें अगर चांस मिलता है तो। फाटा पहुंचते पहुंचते हमने देखा मौसम काफ़ी ठंडा था और बहुत ही सीनिक व्यू था, बहुत ही अच्छा व्यू था। पिट्ठू और पालकी में भी आपको करीबन 10 से 12 घंटे लग जाते हैं और पैदल आपको करीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं और हेलीकॉप्टर में यही चीज़ आपकी 20-25 मिनट में हो जाती है। ऋषिकेश से केदारनाथ जाने के लिए हमें देवप्रयाग, फिर गुप्तकाशी, फिर सोनप्रयाग करना पड़ता है और फिर उसके बाद आता है गौरीकुंड। वहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक है और हेलीपैड से आप जाते हैं तो आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से सीधा केदारनाथ पहुँचते हैं। थुम्बी एविएशन भी हमने ट्राई किया, ये देखिए, पर आज अभी थोड़ी धूप थी तो हमें लगा शायद हमारा चांस हो जाएगा। उन्होंने हमें बोला वेटिंग करने के लिए, हमने वेटिंग भी की पर कुछ ही देर में 2 से 4 हेलीकॉप्टर राइड्स के बाद ही मौसम एकदम ख़राब हो गया था। बहुत ही बारिश होने लगी, एकदम फॉगी हो गया था और हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़े। देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, अभी तो व्यू ठीक था पर देखते ही देखते यहाँ पे मौसम एकदम चेंज हो जाता है। जो इतना सुंदर ग्रीन व्यू था वो ऊपर एकदम फॉगी हो गया और हेलीकॉप्टर्स इस फॉग में नहीं उड़ सकते हैं। हमने उस दिन 4 से 5 एविएशन हेलीपैड्स ट्राई किए पर पांचों जगह हमें नहीं मिला। ये देखिए कितना फॉगी हो गया था अचानक से और बारिश होने लगी थी और ऊपर स्नोफॉल था। ये व्यू देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ से हिमालयन माउंटेन्स, पर हमारा हार्ड लक है कि इस व्यू तो मिला पर केदारनाथ बाबा के दर्शन मुझे नहीं मिले। पर कोई बात नहीं, बाबा फिर से बुलाएंगे, हम फिर से आएंगे और फिर से दर्शन करेंगे। तब तक जैसे कि आपको पता है केदारनाथ मई में खुलता है, टिल अक्टूबर से नवंबर तक रहता है, मोस्टली 4 से 5 महीने ही खुलता है। भाई बीच के बाद में केदारनाथ के पट बंद हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से, तो वो जो बाकी के 6 महीने हैं वो बाबा की मूर्ति की पूजा नीचे ओखी मठ में की जाती है। तो अब हम गुप्त काशी से जा रहे हैं ओखी मठ, वहाँ पर हम केदारनाथ बाबा के दर्शन ज़रूर करेंगे। ओखी मठ हम गुप्त काशी से जा रहे हैं जो कि सिर्फ 33 किलोमीटर ही है। इस बार केदारनाथ में बहुत ही रिकॉर्ड टूट के टूरिस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मई जून अवॉइड करें, उसके बाद आप अक्टूबर नवंबर मंथ प्रिफर करें। ओखी मठ में हमने दर्शन किए केदारनाथ बाबा के। ये मंदिर एकदम केदारनाथ मंदिर जैसा ही बनाया गया है, इसका आर्किटेक्चर सेम टू सेम वैसा है। यहाँ पर हमने दर्शन किए, यहाँ पर गंगा नदी का पवित्र कुंड है, इसमें हमने स्नान लिया थोड़ा सा। केदारनाथ बाबा के दर्शन मुझे हो गए लेकिन ओखी मठ में, और फिर से मुझे बाबा बुलाएंगे और हम फिर से दर्शन के लिए आएंगे इसी उम्मीद के साथ। फूड फंडा खुशबू में आपका थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मई जून अवॉइड करें क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। ट्राई करें अक्टूबर नवंबर में जाएं, अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें, अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें और विंटर वेयर भी साथ में रखें। और साथ ही बहुत ज़रूरी है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ई पास लेना अगर आपको ये चारों धाम में से एक जगह दर्शन करने हैं। और साथ ही में अगर आपको हेलीकॉप्टर लेना है तो आप हेलीकॉप्टर का भी प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या वहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो जय केदारनाथ बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।